हेलो स्टूडेंट्स, यू वाचिंग इजी मैक फॉर यू। और आज हम साइकोमेट्री पर लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स के। पिछला वीडियो हम लोग कुछ कुछ टर्म्स रह गया था, उसमें सारे टर्म्स को क्लियर करेंगे। तो पहला हम लोग टर्म जानते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर, DBT। आखिर क्या है ड्राई बल्ब टेम्परेचर? इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाय थर्मोमीटर। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। इट इज़ डिनोटेड बाय TD। और TdB से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा टेम्परेचर, मान ली सपोज कि थर्मामीटर है और इसमें क्या किए हैं कि ऐसा जगह पर मेजर कर रहे हैं जहां पर मॉइस्चर प्रेजेंट ना हो, उस समय जो टेम्परेचर शो कर रहे थर्मामीटर में उसी को बोलेंगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। अब बात करते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है। इट इज द टेम्परेचर ऑफ द एयर रिकॉर्डेड बाय थर्मामीटर व्हेन इट्स बल्ब इज सराउंडेड बाई ए वेट क्लॉथ एक्सपोज टू द एयर। सच थर्मामीटर इज कॉल्ड वेट बल्ब थर्मामीटर। इट इज नोटेड बाई TW और TWB, ठीक है। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है कि मान लीजिए थर्मामीटर है, इसमें क्या कि वेट क्लॉथ इस पर चारों ओर लपेट दी है, मतलब भींगा कपड़ा को, ठीक है। अब जो इसमें से जो एयर पास होगा उसमें कुछ टेम्परेचर में चेंजेस आएगा, जो टेम्परेचर चेंजेस शो करेगा उसी को बोलेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर। क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की, DPT की। इट इज द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाय थर्मोमीटर व्हेन द मॉइस्चर प्रेजेंट इन बिगेंस टू कंडेंस, ठीक है। उस टाइम में टेम्परेचर मेजर करेंगे थर्मोमीटर से जिस टाइम जब लगे कि जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है वो ड्रॉपलेट का फॉर्म लेने लगा, मतलब सेचुरेशन से आगे निकल गया, ठीक है, वो ड्रॉपलेट का फॉर्म लेने लगा, ठीक है। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। इन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज द सेचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू द पार्सल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। इट इज डिनोटेड बाई TdP, इसको TdP से भी डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात करते हैं ड्यू पॉइंट डिप्रेशन है क्या। इट इज द डिफरेंस बिटवीन DBT एंड DPT, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का डिफरेंस को ही माइनस करेंगे तो हमारा ड्यू पॉइंट डिप्रेशन निकल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें कमेंट के थ्रू फीडबैक जरूर दीजिएगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो जो टर्म समझे हैं उस पर हम फॉर्मूला उसका कैलकुलेट करेंगे और डेरिवेशन करेंगे। थैंक यू।